नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 इज मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, मस्क्यूटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरासाइट, ऑप्शन सी। ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम ओवेल, फैल्सीपेरम और वाइवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द एपर्चर ऑफ द ह्यूमन लेंसेज इज कॉल्ड, ऑप्शन है आइरिस, कॉर्निया, रेटिना, प्यूपिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यूपिल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एबनॉर्मल परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ अ स्टिमुलस इज कॉल्ड, ऑप्शन है डेल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, इमोशन। तो एबनॉर्मल परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज हेलुसिनेशन, ऑप्शन सी। और हेलुसिनेशन कौन सा ड्रग कॉज करता है? यह है एम्फिटामिन, कोकेन, मॉर्फिन, एलएसडी, ये सभी ड्रग्स हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ दीज इज नॉट यूज्ड पेरेंटली, ऑप्शन है सेफोटेक्सिम, एमिकासिम, सेफिक्सिम, वैंकोमाइसिन। तो इनमें से किसका यूज पेरेंट्रल रूट के थ्रू नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेफिक्सिम। सेफिक्सिम क्या है? थर्ड जनरेशन ओरली एडमिनिस्टर्ड सिफेलोस्पोरिन है। इसके साथ ही ये सेफोटेक्सिम जो है, ये थर्ड जनरेशन पेरेंट्रली यूज्ड सिफेलोस्पोरिन है। एमिकासिन है आपका अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, वहीं वैंकोमाइसिन है आपका ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दुबॉयस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट, ऑप्शंस हैं बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी मास इंडेक्स, इंडिविजुअल चाइल्ड डोज, वेट हाइट रेशियो। सो दुबॉयस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट बॉडी सरफेस एरिया, ऑप्शन ए, इफ हाइट एंड वेट बी नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू अ ड्रग इज कॉल्ड, ऑप्शन हैं टैकीफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस, इनटॉलरेंस, रेजिस्टेंस। तो ये होता है आपका टैकीफाइलेक्सिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ए ड्रग एट यूजुअल थेरेप्यूटिक डोजेस इज कॉल्ड, ऑप्शन है इनटॉलरेंस, सेकेंडरी इफेक्ट, आइडियोसिंक्रेसी, हाइपरसेंसिटिविटी। तो ये होता है आपका आइडियोसिंक्रेसी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस फीटल एबनॉर्मेलिटीज इज कॉल्ड, ऑप्शन है म्यूटाजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी, नन। तो फीटल एबनॉर्मेलिटीज कॉज जो ड्रग करता है उसे हम कहते हैं टेराटोजेनिसिटी, ऑप्शन सी। ऐसे ड्रग को कहा जाता है टेराटोजेनिक ड्रग, और ये ड्रग होते हैं थैलिडोमाइड, वारफरिन, फेनिट्विन, विटामिन ए, ये सभी कॉज करते हैं टेराटोजेनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑल आर यूज्ड इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन एक्सेप्ट, ऑप्शंस हैं प्रोप्रेनोलोल, फिरुनार्जिन, एमीट्रिप्टिलिन, सुमाट्रिप्टान। तो इनमें से किसका यूज माइग्रेन के लिए नहीं करते हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोप्रेनोलोल, ऑप्शन ए। ये होता है आपका बीटा ब्लॉकर्स, फ्लुनार्जिन होता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एमीट्रिप्टिलिन होता है ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, वहीं सुमाट्रिप्टान होता है आपका सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द डैश सेल ऑफ पैनक्रियास, ऑप्शंस हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा, नन। तो इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ दीज इज अ सल्फोनिल यूरिया, ऑप्शंस हैं मिग्लिटॉल, ए कार्बोज, ग्लिक्लाजाइड, मेटफॉर्मिन। तो सल्फोनिल क्लास के एंटी डायबिटिक ड्रग होते हैं आपके ग्लिक्लाजाइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिमिप्राइड, टोलब्यूटामाइड, ऑप्शन सी। ये जो मिग्लिटॉल एंड ए कार्बोज हैं, ये होते हैं आपके अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ये जो मेटफॉर्मिन है, ये होता है आपका बायागुनाइड क्लास के ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90,
ये विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ऑप्शन हैं स्पिरनोलैक्टोन, एसिटाजोलामाइड, क्लोरथैलिडोन, इंडेपामाइड। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है आपका एसिटाजोलामाइड। ये क्या है? ये डायूरेटिक है। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट ग्लोकोमा एंड हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ये जो स्पिरनोलैक्टोन है ये होता है आपका पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, इंडेपामाइड होता है थायजाइड डायूरेटिक, क्लोरथैलिडोन होता है भी थायजाइड डायूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑल आर विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर एक्सेप्ट। तो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर होता है फैक्टर 7, फैक्टर 9, 10 एंड प्रोथ्रोम्बिन। सो करेक्ट आंसर इज फैक्टर 13, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। ऑप्शन है इथियोनामाइड, साइक्लोस्पोरिन, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसेरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन बी। साइक्लोस्पोरिन होता है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। एक बार हम फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को देखते हैं। सबसे पहले आएगा रिफाम्पिसिन आर, उसके बाद आता है आइसोनियाजेड आई, उसके बाद आता है पैराजिनामाइड पी, देन आता है आपका इथेम्ब्यूटोल ई, एंड देन आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का एस। तो आप राइप्स के थ्रू फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट एसोसिएटेड विथ साइड इफेक्ट ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस इज। ऑप्शन है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल। तो कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आइसोनियाजिड, ऑप्शन ए। इसलिए आइसोनियाजिड के साथ विटामिन B6 यानी पाइरिडॉक्सिन को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है ताकि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस या पेरिफेरल न्यूराइटिस को ट्रीट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एडिसन डिजीज। ऑप्शन है स्टीरॉइड, स्टैटिन, सल्फासलाजिन, सल्फोनिल्यूरिया। तो एडिसन डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं हम स्टीरॉइड ड्रग लाइक हाइड्रोकोर्टिसोन, ऑप्शन ए। एडिसन डिजीज होता क्या है? इसमें एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस टू लिटिल कोर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द डोज ऑफ टेलमिसार्टान यूज्ड इन हाइपरटेंशन। 5 mg, 16 mg, 40 mg, 50 mg। तो टेलमिसार्टान का डोज होता है 40 mg इन हाइपरटेंशन। टेलमिसार्टान होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, ARBs। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम डेली डोज ऑफ मेटफॉर्मिन। 500 mg, 100 mg, 2000 mg, 850 mg। तो मैक्सिमम डेली डोज ऑफ मेटफॉर्मिन होता है आपका 2000 mg, ऑप्शन सी। मेटफॉर्मिन क्या है? बायागोनाइड क्लास के एंटी डायबिटिक ड्रग है और इसे ओरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ऑप्शन है डिग्लुडेक, लिस्प्रो, ग्लार्जिन, डेटेमिड। तो इनमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नहीं है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा लिस्प्रो। लिस्प्रो क्या है? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। इसके अलावा ये जो तीनों है डिग्लुडेक, देन ग्लार्जिन, देन डेटेमिड, ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है मोर देन 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच कंडीशन कॉमनली कॉजेज सीवियर पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द फर्स्ट मेटाटॉर्सल ज्वाइंट। ऑप्शन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, SLE, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंटीबायोटिक ड्रग। ऑप्शन है एजिथ्रोमाइसिन, लिनेजोलिड, सेफिप्रोन, ओसेल्टामेविर। तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक ड्रग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओसेल्टामेविर। ओसेल्टामेविर क्या होता है? ये होता है आपका एंटीवायरल ड्रग। बाद में कि ये एजिथ्रोमाइसिन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, ये सेफिप्रोम होता है आपका सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मिगालोब्लास्टिक एनेमिया अकर्स इन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, विटामिन सी, कॉपर, विटामिन ए। तो मेगालोब्लास्टिक एनेमिया इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन B9, ऑप्शन ए। विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस,
थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।